Welcome to a brand new episode of Intel Centrino presents MTV on the job 2. अब तक तो आप सबको मालूम ही होगा कि today's episode is about soap acting. Yes? मालूम है ना? Alright. अब एक चीज जो आपको शायद नहीं मालूम, मैं आपको अभी अभी बता देती हूँ, लेकिन बताना नहीं है किसी को, आपस में रखना. Alright. और ये है कि जो भी जीतेगा, not only will they get their very own HP laptop powered by Intel Centrino, will also get a role on a serial in colors. We have a very very special guest, एक बहुत ही जाने माने acting guru, जिनका नाम है किशोर नमित कपूर. Welcome sir. Hi Bani. Namaste. Hi. I'm Kishore Namit Kapoor. I'm Aniket. Aniket. So myself Abhishek. Abhishek. उन्हें मिलके काफी अच्छा लगा. I mean, उनके बारे में सुना हुआ था, but when I saw him right in front of me, I was actually blank. Let me see now कि आप में कितनी रोशनी और कितना दमखम है. तो हम यहाँ से चलते हैं. We'll have a small workshop. Come, let's go. Right. Thank you very much. Thank you, Bani. आप सब जाइए. All the best. सर के साथ हमारी एक दो घंटे की वर्कशॉप होने वाली है. ये सोच के अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लग रहा था हमको कि बेस्ट एक्टिंग गुरु से हम दो घंटे के लिए कितना कुछ सीखने वाले हैं. एक एक करके यहाँ पर आएंगे. आप सब अभिनेता हैं. आपने अपना नाम मुझे बताया, लेकिन आप तो अभिनय करते हैं. अगर आप अभिनेता हैं तो अपने नाम को अभिनीत करके मुझे बताइए. मेक ए प्रेजेंटेशन ऑफ योर नेम. आइए. मतलब कम शू साइलेंस तो अगर आशु तो श तो इसका मतलब हो गया कम टॉयलेट देन साइलेंट आशु तोष. दैट्स व्हाट आई मेंट. वेरी गुड. ओके गुड. आई मेरा नाम है यश्री. इट मींस फेम एंड मनी. फेम तो अब मुझे लेना होगा, साथ साथ में आ जाएगा भी मनी. थैंक यू. थैंक यू. धन्यवाद. आइए. ब्रज. ब्रज ये ब्रज है. ये मतलब ये ब्रज इंद्र. हमारा जो लास्ट सेशन था वर्कशॉप का, वो सबसे बड़ी मतलब बहुत ही अच्छा था. वो सर ने एक रनिंग कमेंट्री दी और हमको उस रनिंग कमेंट्री को सुनकर फटाफट बिहेव करना था, फटाफट एक्ट करना था. रेडी? यस सर. यस. छुट्टियों के बाद कॉलेज का पहला दिन, आप महीनों बाद अपने दोस्तों सहेलियों से मिल रहे हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, गले लग रहे हैं, पूछ रहे हैं हाउ यू, छुट्टियों में क्या किया, मोटे हो गए दुबले हो गए. एक्शन एंड यू कैन स्पीक. A new enrollment, एक नया कैंडिडेट. आपको विश्वास नहीं आ रहा, अद्भुत. जो आपको सपनों में आता था या सपनों में आती थी, उसको आप देख रहे हैं. एक्शन. ओके फ्रीज फ्रीज फ्रीज. अभी आपसे दोस्ती नहीं हुई, प्यार नहीं हुआ, सिर्फ दूर से खड़े होकर आप उस एहसास का अनुभव कर रहे हैं. स्टार्ट. एक्शन. लव. ओके नाउ यू आर वॉचिंग. दूर से ही आप वॉच कर रहे हैं कि somebody out to harm him or harm her. शो मी यू आर सो एंग्री. And आपको आया गुस्सा, आपने उठाया एक पत्थर और दे मारा इसको. एक्शन. और देखिए देखिए. ओके ओके ओके. देखिए उसका सारा भेजा, उसका सारा दिमाग बाहर आ गया. सो रिपल्सिव. And now you realize that you have killed someone. जैसे जैसे कहानी बढ़ रही थी, मैं अपने अपने इमोशन में बाहर निकल रहा था और उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा था. आपको पुलिस पकड़ेगी, आप पर मुकदमा चलेगा और फांसी होगी. इट्स ए कोल्ड ब्लडेड मर्डर. इट्स ए वेरी इंटेंस फियर. और वही हुआ जिस बात का डर था. पुलिस आई, पुलिस ने आपको पकड़ा, आप पर मुकदमा चला और जज ने कहा टू बी हैंग टिल डेथ, फांसी.
धीरे खड़े हो जाइए अपनी जगह पर। नाउ आप फांसी के तख्ते पर हैं, आपके हाथ पीछे। नाउ यू आर नॉट स्केयर्ड एनी मोर, यू आर नॉट एब्सोल्युटली ब्रेव नाउ, यू आर गोइंग टू फेस द डेथ हेड ऑन। थ्री टू वन। चिल्लाद ने लिवर खींचा, आपके झटके से नींद खुल गई। यू आर ड्रीमिंग, व्हाट अ ड्रीम। कभी किसी ने ऐसा सपना देखा होगा? कैन यू बिलीव दैट? कंग्रेचुलेशंस, यू आर अलाइव। इट वाज अ ड्रीम। जय ना। ये एक्सरसाइज मुझे सबसे पसंद आई। जो आठ रस वो बोलते हैं, वो सारे के सारे आठ रस उस कहानी में थे। कंटेस्टेंट्स, आपको मजा तो आया ना? Yes. सीखे भी? Yes. अब आप सबको तो मालूम होगा कि हर कहानी में ट्विस्ट तो होना जरूरी है ना? टुडे द टाइम इज डिफरेंट। रॉ स्टॉक महंगा, टाइम महंगा। We need people who are sure of their craft and mechanics. नमस्ते, किशोर नमित कपूर। मैं एक्चुअली एक्टिंग ट्रेनर हूँ और आज हम सोप एक्टिंग जज कर रहे हैं। I'm Pritish Nandi and at long last we're discussing a career that I understand, acting. Hi, I'm Gaurav Khanna and you know me as Neil from the channel Colors. The show is Jeevan Sathi. Here we are to judge the three contestants who are on the job. मेरा आपसे यही सवाल है कि अभिनय आपके लिए क्या है, यानी क्या मायने रखता है, कि एक जॉब है या आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम? ये मेरे लिए एक आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम है। ये मेरी खुशनसीबी है कि ये एक जॉब के रूप में मेरे सामने उपलब्ध है। अभिनय मेरे लिए एक प्रोफेशन, एक जॉब है सर। एक प्रोफेशन है, एक जॉब जी। इफ यू वांट टू डू इट एज अ जॉब, व्हाई डिडंट यू टेक अप अ जॉब एज अ ट्रैवलिंग सेल्समैन? व्हाई डिडंट यू पिक अप अ जॉब एज समथिंग एल्स? व्हाई पिक ऑन एक्टिंग? अगर मेरी रुचि मेरा प्रोफेशन बन जाए सर, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आपको रुचि है एक्टिंग में? इट्स माई पैशन। मेरे को, मैं बचपन से नाटक, मैंने स्कूल में नाटक किए, कॉलेज में नाटक किए, तो मुझे लगा अब नाटक करने ही है, तो मैं अब बॉम्बे जाऊँ, टीवी में देखूँ, फिल्मों में देखूँ और वहाँ मुझे पैसा भी मिलेगा, तो मैं अपने परिवार के लिए भी। You hit the nail on the head. आपको पैसे के लिए एक्टिंग करनी है सर? इट्स अ जॉब, तो जॉब में पैसा तो रहेगा सर। तो आप थिएटर करना चाहेंगे, फिल्म करना चाहेंगे या टेलीविजन करना चाहेंगे? सर मैं फिल्म करना चाहूँगा सर। विदाउट पैसा? नहीं सर, पैसे के साथ। अब्दुल, वेरी डेफिनेटिव अबाउट मनी। नेवर थिंक कि मैं यहाँ आऊंगा तो पैसा बनाऊंगा, दिन रात मेहनत करूंगा। ये सोचिए कि मैं आऊंगा तो हर रोज एक नई चीज सीखूंगा। अभिषेक, आशुतोष, आशा, मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि आपने अपने कैरेक्टर को या उस सीन को समझा है। सर इनको तो नाम भी नहीं याद कैरेक्टर का। You fluffed your lines during your exercise. You couldn't remember the names of the character you played when he asked you. And your performance were atrocious. Having said that, I can't judge you. I can't judge you because A, I'm not qualified to judge you. I'd leave it to the person who's really qualified to judge you to tell you what's right and what's wrong with your performance. But my personal opinion is all three of you were very bad. मेरा एक सूत्र है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अभिनय ऐसे करो जैसे जीवन जी रहे हो, और जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय कर रहे हो। तो आप आशुतोष, you get the laptop. Thank you, sir.